नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, इस बात को कहा जाता है कि समय इंसान को हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहता है, और जब इंसान अपने जीवन में समय से सीखता है तब इंसान अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफल होता ही होता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये बात आज के समय में भारत के हिंदू अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से वर्तमान के समय में हिंसा हुई, और साथ ही साथ उस हिंसा के अंदर हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब भारत का हिंदू इस चीज़ को देख करके पूरी तरह से मौन था, क्योंकि एक्चुअली में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत के हिंदुओं को हमेशा से ही हिंदू अत्याचार देखने की आदत हो गई है। इसी कारण से भारत का हिंदू पूरी तरह से मौन और चुप बैठा हुआ था। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो निकल कर के आई जहां पर हिंदुओं ने इस चीज का निर्णय कर लिया कि अब जो भी होगा आर या पार होगा, अब हिंदू कभी भी ना ही तो डर करके रहेगा और ना ही किसी के अत्याचारों को बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पर इस्लामिक आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ पर इस्लामिक आबादी अल्पसंख्यक है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रहने वाली इस्लामिक आबादी कहीं ना कहीं भारत के हिंदुओं का ही शोषण करती है, और भारत का हिंदू चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने बर्दाश्त करना पूरी तरह से छोड़ दिया। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर के आई जहाँ पर बांग्लादेशी लोग अपने मंदिर और अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। वो लाठी और लेकर के इस्लामिक आबादी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, और अपने घर और अपने मंदिरों की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करने का भी निर्णय लिया। दोस्तों, जब इस प्रकार की तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगी तब कहीं ना कहीं भारत का हिंदू भी अपने आप में इस चीज को सोचने लगा कि जब एक इस्लामिक देश के अंदर जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है, अगर उस देश का हिंदू एकजुट होकर के उस बहुसंख्यक आबादी का मुकाबला कर सकता है, तो आखिरकार भारत के हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हजारों सालों से हिंदुओं को शोषण और अपमान सहने की आदत सी पड़ गई, लेकिन बांग्लादेश की त्रासदी ने कहीं ना कहीं सोए हुए हिंदू को पूरी तरह से जगा दिया और इस बात को दिखा दिया कि अगर हिंदू एकजुट होकर के रहेगा और हिंदू कभी भी अपने आप में ना ही तो जाति का भेद पालेगा और ना ही ऊंच नीच को समझेगा, तब पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि हिंदुओं को हरा सके या फिर हिंदुओं का दमन कर सके। और ये बात बांग्लादेश के हिंदुओं ने भारत में सोए हुए हिंदुओं को सिखा दी। दोस्तों, यही कारण है कि आज भारत के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर धीरे धीरे बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में हिंदू सड़कों पर खुल करके उतर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से भारत के हिंदुओं को निशाना बनाया गया ये पूरी तरह से गलत है, और साथ ही साथ सरकार से भी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि भारत के अंदर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरी तरह से सरकार बाहर करे, नहीं तो भारत का हिंदू अब खुद ही सड़कों पर उतरेगा और एक एक करके भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरी तरह से निकाल करके फेंकेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक चिंगारी भी पूरे जंगल को आग लगा देती है, और यही बात बांग्लादेश के घटनाक्रम पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए उसने कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले हिंदुओं को पूरी तरह से जागृत कर दिया है। लेकिन भारत का हिंदू अगर अपने आप में पहले से जागृत हो जाता तब भारत के अंदर ना ही तो इस प्रकार की समस्याएं वर्तमान तौर में उभरती, और ना ही भारत के अंदर इतने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ हो सकती, और ना ही दुनिया के अंदर किसी भी सरकार या देश की इतनी शक्ति हो पाती कि वो हिंदुओं का दमन कर पाता। दोस्तों, आज भारत की सरकार को और साथ ही साथ भारत के
हिंदुओं को इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए कि इसराइल किस प्रकार से किसी भी यहूदी के ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं भूलता, और जो भी कंट्री यहूदियों के ऊपर अत्याचार करती है इसराइल उस कंट्री को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देता है। आज के समय की ये मांग है कि भारत सरकार और भारत के हिंदुओं को भी इसराइल से सीखना चाहिए और अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।